दो तीन चीजें जरूर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि सब कुछ बदलना अपने हाथ में ना भी हो तो भी कुछ कुछ चीजें जरूर इम्प्रूव की जा सकती है। तो मैं आशीष सिंह जी से और रामा साहब जी से बात करते करते मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ, आपकी एसोसिएशन को देना चाहता हूँ कि आप में से कई लोग ऑनलाइन इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े हुए होंगे। ऑनलाइन आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, पर आपकी भी एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल पे ऑनलाइन इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करना चाहेगी तो महाराष्ट्र के अंदर हम आपको जगह भी देंगे, सारी फैसिलिटी भी देंगे और आप इन सबको इसके अंदर जोड़ दीजिए और इसके साथ में जो 10,000 इंक्यूबेटर्स आपके साथ में हैं उनको आप दुनिया का बेस्ट टीचिंग कराइए। अभी हमने एक 8 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे 511 स्किल सेंटर का आयोजन उद्घाटन किया था, ऑनलाइन किया था। अभी मैं आश्चर्यजनक रूप से सुन रहा था कि महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में हमने ग्राम पंचायत चुनी थी तो 8 लाख कितने नंबर समझिए एग्जैक्ट नंबर क्या था, 9,14,000 लोग। ये पॉलिटिकल मीटिंग का नहीं है, इसलिए आप इसको सही मान जाना कि हम सही बोल रहे हैं, ऑफिसर बोल रहा है। 9,14,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ये क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनकी भूख है, दे वांट टू गो मूव अहेड, उनको सीखना है, उनको कुछ करना है। मालूम है कि जॉब नहीं मिलता है, मालूम है कि ये नौकरी प्राइवेट में करेंगे तो इधर से उधर 2-3 साल के बाद में निकाल दिए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में रखे जाएंगे तो हर समय किसी की मेहरबानी पे रहना पड़ेगा। आज का युवा उसके लिए तैयार नहीं है और हम सबसे ज्यादा युवा देश हैं और इसके लिए यदि हम हमारे बच्चों को कुछ सिखा सके, कुछ करवा सके तो दे विल सर्टेनली क्रिएट ए न्यू वंडर। महाराष्ट्र कभी बहुत आगे रहा है, भारत भी आने वाले समय में भारत बहुत आगे जाएगा। अगला साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जनवरी के अंदर ही शुरुआत में ही साल के शुरुआत में ही रामलला अयोध्या में विराजने वाले हैं और उसके साथ राम राज्य वापस आएगा। राम राज्य थोड़ा थोड़ा वापस ऑलरेडी आ चुका है, चंद्रयान पे पहुंच चुके हैं, एशिया के अंदर भी हमने बहुत सारे मेडल्स इस बार जीते हैं, भारत आगे बढ़ रहा है। इसको आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत समझिए, मैं बीजेपी का जरूर हूँ पर मैं एक भारतीय भी हूँ और इसके लिए हम सबको इस चीज़ को प्राउडली फील करना चाहिए कि कंट्री इज मूविंग अहेड।